हमारा फ्यूचर होता है वो क्या होता है अनसर्टेन होता है ये हम फोरकास्ट के बेसिस पे करते हैं द फोरकास्ट जो हो सकते हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं हमें गलत राह भी दिखा सकते हैं दे वुड सर्टेनली अफेक्ट एडवर्सली ये हमें एडवर्सली भी अफेक्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो फाइनेंशियल uh, स्टाफ है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव हैं और नॉन फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव हैं उनके बीच में जनरली कोऑर्डिनेशन जो होता है वो लैक करता लैक कर जाता है लैक करने उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वो अपने तरीके से काम करते हैं फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन फाइनेंशियल अपने तरीके से काम करते हैं तो अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव नहीं हो पाते लैक नेक्स्ट है लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं लेकिन अगर जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसने अगर एक प्लान प्रिपेयर कर लिया उसने उसको जो है ताँ, चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई नहीं किया तो हमें क्या होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव नहीं होंगे तो हमें एक फ़ाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह आ, से करनी चाहिए जिससे अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको ईज़िली चेंज कर सकें हमें एक फ़ाइनेंशियल प्लान जो है फाइनेंशियल uh, प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में उसको ईज़िली चेंज कर सकें और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें इजीली अचीव कर सके सो थैंक यू वेरी मच सो टू डेज टॉपिक इज़ दिस ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग ओके बाय